नमस्कार मौजूदा वक्त में सियासत ताकत का दूसरा नाम है और इस देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव भी अब ताकत दिखाने जताने और भुनाने का अखाड़ा सा लगने लगा है चारों ओर ही वर्चस्व की लड़ाई सी छिड़ी दिखती है राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है राजनीतिक दल हो या राजनेता हो इस वर्चस्व की लड़ाई में सब अपना अपना फायदा ढूंढ रहे हैं विचारधाराएं गौण हो चुकी हैं और सबसे ऊपर अब वर्चस्व हो गया है बीजेपी कांग्रेस के लिए आज के वक्त में बहुत बड़ा हवा बन चुकी है और इस हव्वे का डर कांग्रेस को इस तरह सता रहा था कि इन दिनों राजस्थान कांग्रेस ने कस, कस कर और भर भर कर गाली देने वाले प्रहलाद गुंजल को अपना लिया अब कांग्रेस तो गुंजल को अपना कर कोटा से टिकट दे चुकी लेकिन क्या कांग्रेस की विचारधारा को गुंजल अपना पाएंगे या नहीं ऐसी ही कुछ तीखी बातें करके खुले मंच पर शांति धारीवाल ने गुंजल के दिल पर नश्तर चला दिए बस यहीं से ही एक बात तो साबित हो गई कि ये दोनों के दोनों चिर प्रतिद्वंदी एक जाजम पर नहीं बैठ पाएंगे देखा जाए तो कांग्रेस के पास कोटा में कोई चेहरा नहीं था जो बीजेपी के ओम बिरला को टक्कर दे सके क्योंकि केवल और केवल ओम बिरला एक मजबूत कैंडिडेट है कोटा में सबसे मजबूत और वे एक कैंडिडेट नहीं है बल्कि आज एक मजबूत सिस्टम पर काबिज पार्टी के सिरमौर नेता हैं और साथ ही देश के लोकसभा अध्यक्ष भी एक और कांग्रेस के दिग्गज जहां राजस्थान में ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे पैर पीछे कर चुके थे उसी वक्त बिल्ली के भाग से छीका टूटा और राहुल कस्बा के बाद कांग्रेस को कोटा से गुंजल मिल गया लेकिन प्रहलाद गुंजल जैसा कद्दावर नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल तो हो गया और कांग्रेस ने खुले दिल से पार्टी में उनका अभिवादन भी कर दिया लेकिन जिस दिन अभिवादन किया उस दिन कांग्रेस के ही दिग्गज और गुंजल के पूर्व चिर प्रतिद्वंदी शांति धारीवाल नदारद रहे गुंजल को टिकट भी मिल गया दे बड़ा दिल रखकर शांति धारीवाल के निवास पर पहुंचे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाने का आग्रह किया लेकिन धारीवाल ने खुले मंच पर उनकी फजीहत कर डाली उन पर सांप्रदायिक ताकतों के साथ काम करने के आरोप लगाए शांति धारीवाल ने कहा कि बीजेपी का साथ छोड़कर अब आप कांग्रेस में आ चुके हो तो अब विचारधारा बदलनी पड़ेगी खुद को सेकुलर बनाना पड़ेगा धारीवाल के इस तीखे बयान पर गुंजल ने आपत्ति जाहिर की और यह भी कहा कि मैं इस तरह की जलालत नहीं सहता हूं अब इस घटना के बाद चर्चा है कि धारीवाल ने कोटा में कांग्रेस को चांद बूझ कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है तो क्या इस घटना का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा जरा फ्लैशबैक में जाते हैं तो खुद शांति धारीवाल अपनी पार्टी के निशाने पर नजर आते हैं घटना 2022 की है और किसी से छुपी हुई नहीं है जब सी की बैठक में धारीवाल नहीं आए थे बल्कि उसके पैरल अपने घर पर उन्होंने बैठक बुलाई महेश जोशी धर्मेंद्र राठौड़ इस बैठक में शामिल हुए और आला कमान ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कौन आला कमान इसका रिजल्ट भी देखिए कि महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया हालांकि इस घटना का सूत्रधार खुद शांति धारीवाल जो थे उनको आखिरी दौर में गहलोत की पैरवी के बाद टिकट मिल गया अब विधायक हैं खैर इस घटना के बाद लगता नहीं कि पार्टी धारीवाल पर कोई एक्शन लेगी कौन सी घटना जो हाल फिलहाल प्रहलाद गुंजल पर उन्होंने तीखी टिप्पणी बयानबाजी की है क्योंकि कुछ सालों से कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आ रही है दूसरी ओर गुंजल और धारीवाल जिस तरह के सियासी शत्रु हैं वो छिपा नहीं है किसी से बीजेपी में रहते हुए गुंजल ने धारीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं चाहे कोटा रिवर फ्रंट का मामला हो या उनकी निजी संपत्ति से जुड़ा मामला हो चलो एक बार मान भी लिया जाए कि दोनों नेता अपनी पुरानी अदावतों को भुला भी दें लेकिन धारीवाल गुंजल को न केवल एक कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं बल्कि एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहे हैं जब कांग्रेस में गुंजल के शामिल होने की चर्चाएं शुरू हुई तभी से धारीवाल के होश उड़े हुए हैं धारीवाल पार्टी से खफा थे अब दशकों से हड़ौती की जिस सीट से धारीवाल ने अपनी सियासत चमकाई भला पार्टी अब उनके लिए कॉम्पिटिटर लेकर आएगी तो वो कैसे सह पाएंगे धारीवाल क्या कोई भी नेता असहज होगा और फिर दोनों ही नेताओं में कोई भी कम नहीं है विधानसभा में ही देख ली विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों पानी पी पी कर एक दूसरे को गालियां दे रहे थे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे हालांकि यह भी ठीक है कि धारीवाल ने खेल बिगाड़ा है कांग्रेस को कोटा में बड़ा चेहरा मिला धारीवाल को गुंजल के साथ मिलकर बिड़ला को चुनौती देनी चाहिए थी लेकिन शांति धारीवाल की चाहत है कि वे बीजेपी में ही लौट जाएं क्योंकि यह लड़ाई असल में विचारधारा की नहीं अब वर्चस्व की हो चुकी है क्योंकि पार्टी ने कोटा में उनके समकक्ष कद्दावर नेता खड़ा कर दिया है ऐसे में अगर गुंजल चुनाव जीत जाते हैं तो शांति धैर्वाल कहाँ स्टैंड करेंगे ये पक्की बात है कि गुंजल के चुनाव जीतते ही उनका कद कोटा की सियासत में प्रहलाद गुंजल का कद बढ़ जाएगा और फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पंक्ति में भी वे बैठना शुरू करेंगे अब भले ही धारीवाल की उम्र ज्यादा हो गई हो लेकिन वे अब अपने बेटे अमित धारीवाल के लिए कांग्रेस में सियासी ग्राउंड तैयार करना चाह रहे थे कि ये गुंजल वाला नया धमाका हो गया और इससे असहज धारीवाल ने गुंजल पर तीखे तीर और चला दिए अब बीजेपी इसका फायदा उठाने में पीछे नहीं रहने वाली है देखते हैं कांग्रेस इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करती है फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत जनता दरबार के लिए जयपुर से विजय वर्मा